नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग यूथ। अब वक्त हो गया है कुछ बड़ी खबरों का, आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए खोला अन्न का भंडार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछले 8 सालों में किए गए कामों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, इन 8 सालों में हमने किसी भी भारतीय का सिर झुकने नहीं दिया। अगर पुतिन युद्ध करे तो बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का अंत अब दुनिया चाहती है, इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर रूस युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है तो वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करना चाहेंगे। टोमेटो फ्लू का खतरा बच्चों पर मंडराया। कोरोना संक्रमण महामारी के बीच एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। दक्षिणी राज्य केरल में बच्चों ने एक खास प्रकार के बुखार के लक्षण देखे गए। इस तरह के उत्पाद टोमेटो फ्लू का नाम लिया है। केरल में अभी तक 80 से ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में यह टोमेटो फ्लू ले चुका है। लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ। शोक नदी में एक सैन्य वाहन गिर गया, जिसमें 26 जवान सवार थे। 26 जवानों में से 7 जवान शहीद हो गए। दुर्घटना में 19 अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर विशाल सभा आयोजित हुई। सभा में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान वो भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का चलना तक मुश्किल हो गया है, हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया है, लेकिन जो एक्शन प्लान वो तैयार कर रहे हैं उस पर हमें नहीं चलना है। भारत में मंकी पॉक्स का अब तक एक भी मामला नहीं। ICMR की वैज्ञानिक डॉक्टर अर्पणा ने कहा है कि भारत में अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ECDC के अनुसार 21 देशों में मंकी पॉक्स के मामले बढ़कर 226 हो गए हैं, जबकि भारत इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है।